ये जो समाज से डरता है, शायद मेरी पर्सनल लाइफ हो तो मैं बिल्कुल ना डरूं, लेकिन हाँ उसमें ऐसा है कि अगर बाद में ऐसा रियलाइज होता है कि वाई नॉट कर सकते हैं। अच्छा मोहिता, आपके लिए कितना ये शॉकिंग रहा? आपको नहीं लगा जब आपके बेटे ने आपसे कहा कि पापा आप शादी कर लो, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? जी मुझे तो ऑब्वियसली शर्म आनी थी और शर्माई है, ज्यादा शर्माया पूरी फिल्म में मैं बहुत शर्माया हूँ, और हालांकि मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बहुत आउटस्पोकन हूँ, बट अभी किरदार करते करते आदत पड़ गई है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के किरदार किए मैंने फिल्मों में, सीरियलों में, क्राइम पेट्रोल में, काफी लोगों ने मतलब मुझे तो एक मित्र ने अपने घर पे आने से मना कर दिया कि नहीं यार, मेरी मम्मी ने क्राइम पेट्रोल देखा था और उन्होंने बोला कि इस आदमी को घर पे मत लेके आना, ही इज अ वेरी बैड मैन। उसके बाद से मैंने गंदे किरदार मतलब नेगेटिव किरदार करना थोड़ा कम कर दिया। मैं भी हिचकिचाता हूँ कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मित्र भी उनकी माताएं देखें और उनसे डरना शुरू हो जाएं, बट मिलता है तो करते हैं। चलिए चारू और मोहित, अब इस मूवी के बारे में जान लेते हैं कि इस मूवी में क्या कुछ मसाला है। लोग ये मूवी जब देखने जाए तो उनके माइंड में क्या रहे कि इस मूवी में क्या है? जी इस मूवी में हर चीज का एक यू नो बुफे, आप बुफे सर्व कर दिया है। उसमें थोड़ा लाफ्टर है, थोड़ा रोमांस है, थोड़ा लव है, थोड़ा सोसाइटी है, थोड़े झगड़े हैं, खानी है और थोड़ा मसाला है और चोरी है, डकैती है, हर चीज है, हर चीज थोड़े थोड़े उसमें, क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी में हर चीज का सामना करना पड़ता है, तो उसी प्रकार इस फिल्म में चोरी डकैती जो है वो इमोशंस की है, रियल की चोरी डकैती नहीं है इसमें। अच्छा मोहित, आप गाते भी हैं, तो कुछ लाइंस अगर आप हमारे लिए गुनगुना दें। क्यों लड़ रही है मुझसे तू, कोई फैसला सुना इधर या उधर, कहीं पर तो जा, दिल जला जला जला, दिल जला मन चला है ये मन चला, क्या बात है। ना 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 ना। मैं दूसरा एक बार एक लाइन सुनाना चाहती हूँ। हमारे एक पार्टी का गाना है, मैं बालम हर लूंगी जो हो परसो बाला, मैं बालम वही लूंगी, मैं बालम मूवी में अगर हम कहें दो हीरो हैं तो गलत होगा, या एक हीरो है आप या अक्षय? वो ऑडियंस बताएगी पिक्चर रिलीज होने के बाद। आपकी नजर में कौन है? मेरी नजर में बेसिकली आपकी शादी पे बेस्ड है। मेरी नजर में तो हमारा जो नौकर का किरदार कर रहा है वो भी हीरो है। हीरो शब्द मुझे नहीं लगता गलत है, मैं कहूंगा सब कलाकार हैं, सब एक्टर हैं, सभी कलाकार हैं। आपकी नजर में भी, आप भी और शोयानी भी? बिल्कुल, दोनों का एक बराबर किरदार है और हम छह कैरेक्टर्स हैं जो बराबर छह पैरेलल चलते हैं। जी अगर कल तो मुझे कहा जाए कि अक्षय नारंग जो मैंने प्ले सॉरी सुनील नारंग का जो किरदार मैंने किया है कि वो 10 माले की बिल्डिंग से कूदेगा, अक्षय कुमार की तरह स्टंट्स करेगा, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। वो किरदार अगर हमें वैसा किरदार दिया जाएगा तो हम करेंगे। अब ये सुनील नारंग तो ऐसा करता नहीं है, तो जैसा सुनील नारंग करता है और लिखा गया है वैसा हमने किया है। मूवी में कोई हीरो नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, ये मूवी एक फैमिली है और पूरी की पूरी फैमिली जा सकती है इस मूवी को देखने के लिए। हाँ ये आप ये कह सकते हो कि हाँ इसमें हीरो हीरोइन नहीं है, इसमें एक परिवार है, ये एक परिवार की कहानी है जो जिसका टाइटल हमने secondmarriage.com रखा है। ये तो ऑन कैमरा वाली बात हो गई जो मूवी में है, बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ हुआ? बताऊं मैं? हाँ बिल्कुल। मोहित ने बहुत छेड़ा सबको, बहुत परेशान किया, पीपी क्या हुई जनरली
पहले दिन से सेट पे मुझे आदत नहीं है, इन्होंने सर 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 बोल करके मुझे ऐसा एलिवेट कर दिया कि मैं बुड्ढा हो गया हूँ। मुझे लगने लगा कि जो मैं किरदार कर रहा हूँ इन्होंने मुझे उसी किरदार में एक्सेप्ट कर लिया। मैं ऐसे नहीं बाबा, मैं वो किरदार से बाहर हूँ, जब हम पर्दे पे होंगे तो बात अलग करेंगे। और मस्ती भी हुई, मस्ती तो बहुत हुई, मस्ती थी सेट। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं प्रेस को बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि जो हमारा डायरेक्टर है और जो हमारा म्यूजिक डायरेक्टर है, दोनों काफी टाइम साथ में रहे। पहले मूवी लिखने के दौरान ये दोनों साथ में ही रह रहे थे, इन्होंने स्टार्टिंग से ही दिमाग लगाना शुरू कर दिया था कि म्यूजिक कैसा होगा। वी हैव 8 सॉन्ग्स इन द फिल्म, ओके, 8 सॉन्ग्स इन द फिल्म, ऑल ऑफ देम आर सो ब्यूटीफुल, मोस्ट ऑफ देम आर, दे ऑल आर इन द बैकग्राउंड एक्सेप्ट वन विच वॉज बालम, विच इज लाइक एवरीबडी सिंगिंग इट। लेकिन ये जो केमिस्ट्री है वो आप देखना पर्दे पे, जो म्यूजिक का केमिस्ट्री है, इट हैज रियली हेल्ड द फिल्म टुगेदर, आई वुड से। इस मूवी से आप दोनों की एक्सपेक्टेशन? मेरे हिसाब से तो फिल्म बहुत अच्छी चलनी चाहिए और सबसे ज्यादा कि मासेस को अपील करेगी ये फिल्म, दैट इज व्हाट आई विल से। नया टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, बहुत सारा कुछ देने को है, एक रिलेशनशिप है, एक सोशल मैसेज है, साथ साथ एंटरटेनमेंट है, तो मुझे लगता है कि यूथ भी उससे अपने आप को कनेक्ट करेंगे और हमारे एज ग्रुप वाले भी हैं जो बेचारे आज तक शर्माते घूमे हैं कि हम कैसे करें, मन तो है हमारा पर शादी हमारे को कोई बोलने वाला नहीं है, तो शायद उन्हें भी लगेगा कि यस, उनके लिए भी एक रास्ता शायद खुलता है कि नहीं, हमें इनिशिएटिव ले लेना चाहिए जिंदगी का। अब बच्चे तो ले रहे हैं, हम भी ले ही लें। जी एक साइड पे गैंग्स ऑफ वसीपुर है, दूसरे साइड पे एकता टाइगर है, अभी पता नहीं secondmarriage.com या तो दोनों को दबा देगी या दोनों हमें दबा देंगे। secondmarriage.com सच में दोनों को दबा देगी और वो बहुत सक्सेसफुल, आई बिलीव। तो चलिए, थे मम्मी और पापा लेकिन हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनके बच्चे भी, तो उनको भी शामिल करते हैं अपने इस ग्रुप में और थोड़ी सी मस्ती करते हैं। खुशहाल सो पूरी की पूरी फैमिली हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद है। अब चलिए कुछ थोड़ा सा गाना वाना टाइप हो जाए, आप मोहित बहुत अच्छा गाना गाते हैं, मोहित गाएंगे और आप सब लोग गुनगुनाएंगे, ठीक है? मैं कहूंगा कि सवेरे से अक्षय बार बार एक गाना दोहरा रहा था, मैं चाहूंगा कि वो गाए क्योंकि उसको वो गाना बहुत पसंद है। मुझे जो गाना पसंद था वो मैंने गा दिया, अब इसकी बारी है। बरसात है, ये बहुत ही सुंदर गाना है मूवी का बरसात, तो हम शुरुआत करते हैं। नहीं नहीं आप करिए। होती थी तुमसे दिल की बात तो मगर ख्वाबों में ही, होती थी रोज ही रात तो मगर ऐसे नहीं। आप सुनिए बरसात इज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, उसके साथ मंचला भी बहुत अच्छा गाना है और मोहित सर का फेवरेट गाना है मंचला, और बालम एंड निकमली, बहुत सारे अच्छे 8 गाने हैं, तो प्लीज देखिए। चलिए, ये थी secondmarriage.com की स्टार कास्ट और बहुत सारी मस्ती की, मूवी के बारे में भी बताया, गाना भी गुनगुनाया, कुल 8 गाने हैं इस मूवी में और इनका कहना है कि मूवी देखने चाहिए, आप एंजॉय करेंगे, वीकेंड का मौका है, अगर कुछ देखना चाहते हैं तो secondmarriage.com आपके पास अच्छा ऑप्शन है एंजॉय के से इस मूवी को। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज रूम में आए, हमसे बातचीत की, मूवी के बारे में इतने अच्छे एक्सपीरियंस हमसे शेयर करिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हमारे इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही, लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। क्या नाम बताया आपने? सेकंड पागल हो गई है क्या? ये secondmarriage.com क्या है? शुभम उपाध्याय, पेरेंट्स बंगाली है पर बॉर्न ब्रॉट अप इन चेक। मम्मा बनारस, लव योर पिक्चर्स। आपका और आपके हस्बैंड के बीच में डिवोर्स हो गया था कर? सुनील जी, इस उम्र में शादी वगैरह?
स्टेट टीम का यंगेस्ट ट्रोल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिपका से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ लिपका। India's largest university with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। कालेधन और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा रामदेव का 3 दिन का अनशन शुरू, मंच पर लगे पोस्टर पर हुआ विवाद। 13,000 करोड़ की लागत से तैयार यमुना एक्सप्रेसवे का सीएम अखिलेश ने किया उद्घाटन, महज 2 घंटों में पहुंचा जाएगा दिल्ली से आगरा। आगरा और टप्पल में किसानों ने दिखाए काले झंडे। चित्रकूट में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी, बलखड़िया गैंग ने दिया वारदात को अंजाम। कासगंज में फिर निशाना बनी अंबेडकर की मूर्ति, असामाजिक तत्वों ने बीती रात तोड़ा मूर्ति का हाथ, नाराज लोगों ने किया हंगामा। चित्रकूट से पेशी के दौरान 13 कैदी फरार, लापरवाही के आरोप में आरआई निलंबित, 5 पुलिसकर्मियों को हिरासत में लेने के आदेश। चित्रकूट में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई है। अज्ञात बदमाशों ने चित्रकूट के मारकुंडी थाना क्षेत्र के डोंडा माफी गांव का यह मामला है, जहां बीती रात आपको बता दें बलखड़िया गैंग के लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। यहां पूर्व प्रधान दुर्गा प्रसाद के घर में घुसकर इन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके बाद 5 घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही एक 14 साल की बच्ची और एक वृद्ध महिला ने दम तोड़ दिया। 3 घायलों को इलाहाबाद के लिए रेफर कर दिया गया है। इस वारदात को बलखड़िया गैंग ने अंजाम दिया है। दरअसल पूर्व प्रधान दुर्गा प्रसाद पहले इस गैंग में थे और 2 बार गैंग को शरण देने के आरोप में जेल भी जा चुके हैं। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आइए इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता अब्दुल मोबिन की तरफ, जिस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ फोनलाइन पर। मोबिन, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? जी, मैं बता दूं कि ये बलखड़िया गैंग के लोग जो है लगभग 7-8 लोग रात में 12 बजे पूर्व प्रधान दुर्गा प्रसाद के यहाँ पहुंचे और उनके भाई को पकड़ कर ले गए और उनसे पूछताछ करने लगे। जब जंगल ले गए और जंगल से कुछ ही 15-20 मिनट के बाद वापस आए, उनके घर में घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां चला करके, जिसमें कि जो बच्चे भी सो रहे थे उनको भी गोलियां लगी हैं, यहाँ तक कि एक 6 महीने की बच्ची थी उसको भी छर्रों के निशान आए हैं। जी मोबिन, आप बता रहे हैं कि वो पूछताछ कर रहे थे पूर्व प्रधान के परिवार से, किस बारे में पूछताछ कर रहे थे, इस बारे में कुछ पता चल सका है? क्योंकि पूर्व प्रधान जो है गैंग को गैंगों के संरक्षण पहले भी देते रहे हैं और गैंगों से उनके संबंध रहे हैं उस परिवार के, तो ये उसके भाई से पूछताछ कर रहे थे कि आखिर पुलिस को मुखबरी, पुलिस की मुखबरी को लेकर के भी बात कर रहे होंगे गांव वालों का कहना है, क्योंकि सुनील भी मौके पर मर गया, उससे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, लेकिन गांव वालों के हिसाब से बलखड़िया गैंग का मूवमेंट यहां पे लगातार कई दिनों से पाया जा रहा था और उसी की वजह से बलखड़िया गैंग ने ही इन लोगों को मौत के घाट उतारा। मोबिन, 3 लोग जो घायल हैं उनकी हालत फिलहाल क्या बनी हुई है, क्या अभी तक उनके पास से किसी तरह की कोई जानकारी, आखिर इस गैंग में कुल कितने लोगों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया? गैंग में 7-8 लोग थे
जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है और जो घायल है दो ज्यादा मरणासन अवस्था में है उनको रिफर कर दिया गया है इलाहाबाद के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो चित्रकूट का यह मामला जहां पर बलखड़िया गैंग ने 5 लोगों की हत्या कर दी है, आपको बता दें एक ही परिवार पर फायरिंग की और उसके बाद अब 3 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से